हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं खराड़ी के पास एक टाउनशिप प्रोजेक्ट में आपके लिए 3 BHK का सैम्पल फ्लैट लेकर के आया हूं, जिसका कारपेट है 1452 स्क्वायर फीट। तो चलिए अंदर चल के इसका सैम्पल फ्लैट देखते हैं, पूरे फ्लैट को समझेंगे। आते ही सबसे पहले ये आपका लॉबी स्पेस हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस, कितना वाइड स्पेस है। इस तरफ में आपका शू रैक का स्पेस बड़े आराम से आ जाएगा, दे आर गिविंग दिस ऑप्शन। और आपको सेम विनियर फिनिश का डोर मिलने वाला है विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। अंदर आने के बाद यू गॉट द स्मार्ट पैनल्स, सॉफ्ट टच स्विचेस जो आपको पूरे घर में मिलेगी। लॉबी से अंदर का रखते ही कदम यू गेट योर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस विच इज़ एक्सपेक्टेड इन 1400 कारपेट। 26x13 का ये साइज है एंड वेरी क्लियरली यू कैन सी कि इस तरफ में आपका लिविंग आ जाएगा और उस तरफ में आपका डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। क्योंकि बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है तो फर्स्ट बेडरूम आपका इधर आ जाता है, बाकी दोनों बेडरूम इधर आ जाते हैं। और भी इसमें थोड़े से ट्विक्स एंड सरप्राइजेस हैं, वीडियो एंड तक देखिए, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फर्स्ट बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। 13x11 का आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। 13x11 का फर्स्ट बेडरूम, ग्रेट साइज। टाइल्स आप जैसा देख रहे हैं आपको सेम मिलने वाला है, और ये मार्बल नहीं है, इटालियन मार्बल भी नहीं है, ये मार्बल ग्लेस विट्रीफाइड टाइल्स है। तो शाइन और इसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो आपको पूरे घर में सेम मिलने वाला है। विंडो की अगर हम बात करें, टू वॉल आपको विंडो एज इट इज़ मिलने वाला है। ऊपर का पोर्शन मूवेबल रहेगा, नीचे का पोर्शन फिक्स रहेगा, ताकि आपको सनलाइट का इशू ना रहे, वेंटिलेशन का इशू ना रहे। कम्स अटैच विथ वॉशरूम आपका, टाइल्स देख लीजिए सेम सिमिलर, नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेगी। सीपी फिटिंग और सैनिटरी फिटिंग की मैं बात करूं तो दिस विल बी ब्रांडेड फिटिंग्स, स्टैंडर्ड फिटिंग्स एंड ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब आपको मैं बाकी घर के बाकी हिस्से दिखा देता हूँ। वन मोर थिंग, आपका जो फ्रेम है ये एज इट इज ग्रेनाइट का रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। वंस अगेन जस्ट हैव ए लुक एट दिस ग्रेट साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। अब इसके बाद आपको लेआउट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरफ में किचन आ जाता है विद ड्राई बालकनी, इस तरफ में आपकी बालकनी आ जाती है बिग साइज। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा नीच साइज दे के रखा है, आप इसको पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल लगा के स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का डेस्क बना सकते हैं, चॉइस आपकी रहने वाली है। मेरे पीछे बाकी दोनों बेडरूम रहने वाले हैं, तो सबसे पहले बालकनी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इस साइड में आपका डोर आ जाता है और उस तरफ में आपका विंडो आ जाता है। डोर आप जैसा देखेंगे सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है विद मॉस्किटो मैश। बाहर की तरफ चलेंगे, ऑलमोस्ट 14x6.5 का साइज है। ऐसे ही आपको बालकनी कवर मिलेगी, सेम टाइल्स आपका एंटी स्किड वुडन फिनिश टाइल्स आपको मिलने वाला है विद फिक्स ग्लास फ्रेलिंग्स। एंड ये जो आपका ऊपर आप देख रहे हो ये भी आपका सेम वुडन फिनिश पीवीसी का रहने वाला है। साइज देखने के बाद इस तरफ में आ जाते हैं, इस तरफ में आपका ऑलमोस्ट 7x6 का साइज है ये। तो पूजा रूम में कन्वर्ट कर लिया या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस डेस्क बना लिया, दो लोग बड़े आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं अगर डेस्क यहाँ पे लगाया जाए तो। तो ये सोच आपकी है कि किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। इस तरफ में देयर इज अ 2 फीट का स्पेस दिया हुआ है, बेसिकली इसको 12 यूनिट में बना सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट या शोकेस लगा सकते हो। सो आप जिस तरीके से करना चाहो ये पूरा आपकी चॉइस रहने वाली है। किचन देख लेते हैं। ओके, वीडियो डोर फोन के बाद जो आपको वीडियो डोर फोन में दिखने वाला है वो इस पैनल में दिखेगा। अंदर किचन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। किचन ऑलमोस्ट 11.5x10 का साइज है, एल शेप का प्लेटफॉर्म है। 11.5x10 का साइज है तो ये आप पूरा सी शेप में भी ले सकते हैं, या फिर आप इस स्लैब को हटा करके यहाँ पर पैरेलल स्लैब बना सकते हैं और यहाँ पे आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस हो जाएगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रोवेव उसका स्पेस हो जाएगा। सो आप यहाँ पे अगर अपना पैरेलल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो आपको एक सेकेंडरी अप्लायंसेस के लिए और भी स्पेस मिल जाता है। प्लग पॉइंट सब रेलिवेंट जगह पर दिया हुआ है। आपका ये सिमिलर रहने वाला है विथ स्टेनलेस स्टील सिंक, फिटिंग्स में बता चुका हूँ, बाथरूम में वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड दे आर यू गिविंग यू दिस
मूवेबल थिंग, सो यू कैन यू नो वेरी इजिली क्लीन योर एंटायर वो सिंक एरिया. ये आपका ड्राई स्पेस रहने वाला है. ये यहाँ पे कवर्ड दिख रहा है बट एक्चुअली में ये आपको बालकनी के फॉर्म में मिलेगा. ये इनक्लोज्ड नहीं है. ऑलमोस्ट 3.5 square feet का साइज है. आराम से इधर पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा. आराम से उस तरफ में आपका सेकेंडरी सिंक भी आ सकता है या वाइस वर्सा कर लीजिए. प्लग पॉइंट्स भी दोनों तरफ दिए हैं ताकि आप दोनों तरीके से इसको यूटिलाइज कर सके. एंड वाटर इनलेट आउटलेट का भी पॉइंट दिया हुआ है. यहाँ पे दिखाया नहीं है. 2 feet तक आपका यहाँ पे हाइट मिलने वाला है फॉर टाइल्स. सो आप ऊपर कैबिनेट भी लगा सकते हैं और ये ब्रेक नहीं होगी. नीचे आपका पूरा किचन ट्रॉली आ जाएगा. विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं इस चीज़ का. अंदर चलेंगे, इस तरफ में हम आ जाएंगे और मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो एक रेड कलर की पाइप होती है जो फ्लैट के बीच से जाती है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया है. तो वो आप बेसिकली यहाँ पे पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको मिलने वाला है. एंड सेकेंडली, जो आपने लॉबी देखा, ये चेंज हो सकता है आप किस तरीके का यूनिट ले रहे हैं उसके ऊपर. तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बाकी दोनों बेडरूम को देख लेते हैं. सो इस तरफ में आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है और इस तरफ में कॉमन बेडरूम आ जाता है. कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं. एंड जस्ट लुक एट द साइज, जस्ट हैव अ लुक. कोई भी साइज जो है कम नहीं है. सारे साइजेस काफ़ी अच्छे हैं. एंड सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वॉशरूम पहली बार में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप टाइल्स देख लीजिए आपको क्या मिलने वाला है. 1452 कारपेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसमें कुछ भी कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और अभी तक साइजेस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं. कॉमन बेडरूम को चेक कर लेते हैं. कॉमन बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 12x11, अगेन अ वेरी गुड साइज, अगेन काफ़ी अच्छा साइज़ है. और विंडोज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर ऑल डे वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट. चलिए अब फाइनली इसके मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस 16x12 का मास्टर बेडरूम एंड यू गेट अ वॉकिंग वार्डरोब सेपरेटली. तो वॉशरूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. ये आपका वॉशरूम का सेक्शन हो गया, ये आपका वॉकिंग वार्डरोब पूरा हो जाएगा, जैसे भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहें. एंड द साइज इज रियली ग्रेट. 1452 कारपेट में हम कम एक्सपेक्ट करेंगे भी नहीं. चलिए वॉशरूम में थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ. सो यहाँ पे मार्किंग की हुई है. वॉकिंग वार्डरोब इस तरफ हो गया. यहाँ पे आपका बाथ, मतलब ये वॉशरूम का साइज इतना बड़ा है कि आपका बाथ टब भी बड़े आराम से आ जाएगा. वहाँ पे आपका क्यूबिकल आ जाएगा, यू नो, फॉर शावर एंड ऑल. तो जैसा इन्होंने मार्किंग यहाँ करके रखा है और यहाँ पे भी दे के रखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है. इस तरफ में आपका बेसिन आ जाएगा, वॉश बेसिन आ जाएगा. साइज इज़ वेरी गुड, फिर भी काफ़ी फ्री स्पेस यहाँ पे मिलता है विथ वॉकिंग वार्डरोब. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू गेट योर सेकेंड बालकनी. अगेन अ वेरी गुड साइज, 9x5 का साइज है. यूजली कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो जाता है, या तो ये यहाँ तक आ जाएगी, 5x5 की मिलेगी, 4x5 की मिलेगी, या फिर ये 3 feet की हो जाती है. बट ये 4.5 feet का है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइज. अगेन PVC फॉल सीलिंग आपको ड्राई बालकनी मिल रहा है, विच इज़ लाइक वुडन फिनिशिंग मिलने वाला है. ऑल इन ऑल अ गुड प्रोडक्ट. अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो मैं डेवलपर का लिंक नीचे लगा दे रहा हूँ. आप डायरेक्टली उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं. आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा लिंक भी नीचे दिया है, मेरा नंबर भी दिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, नियर खराड़ी. कम एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ. फ्लैट पसंद आ रहा है तो विजिट करें. वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.